हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर हरियाणा जीके में और विषय रहेगा वैदिक युग। चलिए सबसे पहले वैदिक युग की अवधि देखेंगे हम। भाई अवधि 1500 बीसी से 600 बीसी। अब इस वैदिक युग को ना दो भागों में बांटा, तो दोनों भागों का जिक्र करेंगे। जैसे एक भाग है पूर्व वैदिक युग, और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक युग। राइट, दो भाग हुए। सबसे पहले पूर्व वैदिक युग को हम देखेंगे। क्या है पूर्व वैदिक युग में? 1500 बीसी से तो शुरू हुआ और 1000 बीसी तक चला। अब वही उत्तर वैदिक युग में बात करेंगे। 1000 बीसी से तो चला और 600 बीसी तक चला। कब तक चला? 600 बीसी तक। अब पहले हम पूर्व वैदिक युग की बात करेंगे। पूर्व वैदिक युग, इस युग से पहले है ना हरियाणा को है ना ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता, बर्मा का प्रदेश, यानी कि बर्मा का प्रदेश। ठीक, ये इतना हरा भरा था कि इसको हरित प्रदेश भी कहते थे। भाई क्या कहते थे? हरित प्रदेश। राइट, अब आती है इस अवधि की बात। इस अवधि में वेद की रचना हुई। किसकी? वेदों की रचना। अब वेदों की रचना किसने की? आर्यों ने। किसने की भाई? आर्यों ने। आर्य वो थे जो श्रेष्ठ कहे जाते हैं, यानी कि कुलीन कहे जाते हैं, जो वो आर्य थे भाई। ठीक, वैसे तो आर्यों का अनेक पहचान मिली कि कहां से आए, परंतु जो आर्य है ना इनका मूल स्थल माना गया मध्य एशिया। क्या माना गया? मध्य एशिया। और किसके अनुसार? मुझे याद नहीं है, आप बता दीजिएगा। मैक्स मुलर के अनुसार। मैक्स मुलर के अनुसार आर्यों का उत्पत्ति स्थल या निवास स्थल क्या क्या था? प्रमुख स्थल मध्य एशिया। राइट, अब वेदों की रचना की ना वेदों में, वेदों की भाषा की बात आती है। किस भाषा में की थी? वो की थी संस्कृत। तो पता है संस्कृत भी कौन सी? वैदिक संस्कृत। संस्कृत भी कौन सी थी? वैदिक संस्कृत। अब देखिए वेद कितने हैं? वेद चार। कितने वेद हैं? चार। परंतु यहां रचना किसकी हुई? इस युग में रचना एक वेद की हुई। कौन सी टाइम में? इस टाइम में। और ये जो एक वेद की रचना हुई ना, ये वेद कौन सा था? ये था ऋग्वेद। कौन सा वेद था? ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में एक बात लिखी गई है कि आर्य श्रेष्ठ हैं। क्या लिखी गई है? आर्य श्रेष्ठ हैं। राइट, और इसकी रचना कहां हुई थी? रचना हुई थी एक नदी के किनारे, नदी किनारे। और जिस नदी के किनारे हुई ना, उसका नाम तो दर्शाया गया है सरस्वती। कौन सी नदी दर्शाया गया है? सरस्वती। और पवित्र, सबसे पवित्र और प्रमुख नदी कौन सी दिखाया गया है? सिंधु। पवित्र और प्रमुख नदी कौन सी दिखाया गया है इसमें? सिंधु। और बताया गया है सरस्वती के किनारे जो वेदों की रचना हुई है ना, उस स्थान को क्या कहा गया है? रज्जे हरियाणा। दोबारा देखिए क्वेश्चन, यहां से बहुत प्रमुख क्वेश्चन बना कि वेदों की रचना एक नदी के किनारे हुई, इसके किनारे, सरस्वती के किनारे, और इसके किनारे का स्थल क्या कहलाया? रज्जे हरियाणा। यानी कि क्या कहेंगे हम? दोबारा देखिए, ऋग्वेद में हरियाणा को रज्जे हरियाणा के नाम से जाना गया। क्वेश्चन समझ में आया ना? ऋग्वेद में हरियाणा को रज्जे हरियाणा के नाम से जाना गया। चलिए अब बात आते हैं
जो ऋग्वेद है ना उसमें इस शब्द की कौन सा शब्द है ये आर्य, आर्य शब्द का 36 बार वर्ण है। एक वेद में कितनी बार वर्ण है? 36 बार। अब जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद इसका एक उपवेद भी है भाई, और उपवेद का नाम है आयुर्वेद। क्या नाम है? आयुर्वेद। आयुर्वेद का बाद में हिंद संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था सिकंदर लोदी में, वो आगे आएगा हमारा जिक्र, छोड़ दीजिए। अब जो आयुर्वेद है ना इसमें जड़ी बूटियों का मंत्र है, जड़ी बूटी। और जो ऋग्वेद है ना इसके अंदर वर्ण है मंत्रों का उच्चारण। इसके अंदर किस चीज का वर्ण है? मंत्रों का उच्चारण। अब यहां से आगे बढ़ते, हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखेंगे इस युग में है ना 1200 बीसी की बात आ गई भाई, यानी कि इस समय के मध्य की बात, 1200 बीसी माना जाता है कि रामायण की घटना हुई भाई। अब रामायण की घटना से संबंधित अधिक साक्ष्य तो हमें मिले नहीं, दो साक्ष्य मिलते हैं, एक तो दशहरा और एक दीपावली। ये किससे संबंधित साक्ष्य है? रामायण की घटना से। अब एक बात मानी गई, अब रामायण से एक बात उठाई हमने, रामायण में तो आर्य थे सभी लोग, चाहे रावण की बात करें, चाहे राम की करें, चाहे लक्ष्मण की करें, सभी लोग क्या थे? आर्य प्रवृत्ति के थे। और इस समय क्या हो गया था, इससे पता क्या चला? जो हथियार है ना, हथियार वो विकसित होने शुरू हो गए थे भाई, विकसित होने आरंभ हो गए थे। जैसे हथियारों के रूप में बात करें तो धातु का प्रयोग होने लग गया था भाई, ठीक। और प्रमुख धातु कौन सी मानी गई सबसे उस समय की? तांबा। सबसे ज्यादा किसका प्रयोग हुआ था? तांबा का। और हथियारों के रूप में एक प्रयोग किसका किया था इन्होंने? पहिए का। हथियार क्यों कहा पहिया को? क्योंकि वो गाड़ी में जुड़कर एक साधन के रूप में प्रयोग किया गया था, वो भी युद्ध में उसका भी प्रयोग हुआ था। तो इस तरह आपने देखा कि हमने दोहराया है वैदिक युग का पूर्व भाग, पूर्व वैदिक युग, राइट। अभी तक अपना उत्तर वैदिक युग हिस्सा नहीं दोहराया हमने, अब इसी वीडियो में हम उत्तर वैदिक युग को दोहराएंगे। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको, क्योंकि बार बार इसकी आवश्यकता होगी हमें, और इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। मैं आता हूं दोबारा से उत्तर वैदिक युग के साथ। अब उत्तर वैदिक युग का समय यहां पर लिख दिया गया, अवधि सब कुछ आपको समझ में आई तो लिखते हैं। इस युग में है ना वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई। कुल चार वेद है ना, एक वेद की हो चुकी है, तो कौन से वेद की हुई? संगीत का जादूगर श्याम वेद की, एक यजुर्वेद की और एक अथर्ववेद की। अब यहां बात करते हैं भाई, तीन वेदों की बात रचना हुई, किसने की? आर्यों ने। मूल स्थान मध्य एशिया, सरस्वती नदी, राज्य हरियाणा, संस्कृत भाषा, वो भी वैदिक संस्कृत मैक्स मूलर के अनुसार। ये बातें हमारी पहली क्लास में हो चुकी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम यहां से। अब है ना इसमें है ना ये युग माना जाता है वेदों का अनुसरण युग, अनुसरण युग, क्योंकि जो ऋग्वेद की रचना पहले हुई थी ना उसका सबसे ज्यादा अनुसरण यहां हुआ, और बाकी इन तीन वेदों की रचना भी तो इसी समय में हुई है, अनुसरण युग माना गया ना, इसलिए आर्यों का प्रमुख युग, आर्यों का प्रमुख युग, राइट। तो आर्यों की जब बात आती है ना तो इस युग में महाभारत की घटना हुई भाई, इसकी घटना हुई महाभारत की, महाभारत की घटना पांडव वर्सेज कौरव,
राइट, कौरव की हार, पांडव की जीत, ये तो साधारण बात है। जो महाभारत का युद्ध है ना वो 18 दिन चला था, कितना 18 दिन, और सेना खपत कितनी हुई थी 18 अक्षौहिणी, कितनी सेना खपत हुई 18 अक्षौहिणी, और ये युद्ध कहां चला कुरुक्षेत्र में, राइट। अब है ना जीत की बात आती है ना, जीत की वो हमने पहले भी बताया पांडवगण की, पांडवगण की, राइट। अब यहां से पांडव ने क्या किया था, जो पांडवगण था ना, पांडवगण उन्होंने युद्ध से पहले पूजा की थी भाई, और ये पूजा किसकी की, जयंती देवी की, किसकी की, जयंती देवी की, और पूजा के लिए जयंती देवी का एक क्या बनाया, मंदिर, और जो ये मंदिर कहां बनाया, जींद में। तो इसका मतलब पांडव गण से संबंधित स्थल जींद भी माना गया भाई, कुरुक्षेत्र के साथ साथ क्या माना गया, जींद, क्योंकि जयंती देवी की पूजा कहां की इन्होंने, जींद में, और मंदिर बनवाया। चलिए अब पांडवों में एक योद्धा अर्जुन का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिसको पार्थ भी कहते हैं, अर्जुन का पुत्र होता है जी एक अभिमन्यु, चक्रव्यूह के दौरान मृत्यु होती है इसकी, चक्रव्यूह में मृत्यु। अब जहां चक्रव्यूह में मृत्यु होती है ना, चक्रव्यूह होता है, वो गांव है अमीन कुरुक्षेत्र में, राइट। अर्जुन का पुत्र था तो अमीन गांव में आदिति मंदिर बनाया गया है, कौन सा मंदिर है, आदिति मंदिर, याद रहे आदिति गांव करनाल में भी और मंदिर भी है, परंतु अमीन गांव, ये आदिति मंदिर कुरुक्षेत्र में है, अपवाद है ये आदिति मंदिर। जो ये मंदिर है ना, इस मंदिर में क्या होता है, अब पुत्र प्राप्ति हेतु कामना की जाती है, कामना की जाती है, किस हेतु प्राप्त कामना की जाती है, पुत्र प्राप्ति हेतु। चलिए अब जो अभिमन्यु थे ना, यहां इनका पुत्र था भाई, पुत्र का मुझे याद नहीं नाम, आप दोहराइएगा एक बार, परीक्षित, क्या नाम था, परीक्षित। इस परीक्षित की मृत्यु होती है भाई सांप के डसने से, सांप के काटने से, राइट। तो परीक्षित होता है ना, जब परीक्षित का पुत्र होता है तो सांप को मार देता है परीक्षित, दंत कथा के अनुसार, तो सांपों के काटने से फिर परीक्षित की मृत्यु होती है। तो परीक्षित का भी एक पुत्र होता है जनमेजन, पुत्र का नाम क्या है, जनमेजन। ये जनमेजन क्या करता है, अपने पिता द्वारा सांपों को मारने के कारण सर्प दमन यज्ञ करता है, क्या करता है, सर्प दमन यज, और जहां सर्प दमन यज करता है ना, उस स्थान को अब किस नाम से जानते हैं, सफिद्धों के नाम से, किस नाम से जानते हैं, सफिद्धों के। तो इसका संबंध भी कहां से हुआ, महाभारत काल से, राइट। अब जो युद्ध होता है ना, यहां आते हैं दोबारा, जो महाभारत का युद्ध होता है ना, उसमें एक मुकाबला होता है भाई भीम का, अंतिम मुकाबला माना जाता है दुर्योधन से, राइट। तो भीम दुर्योधन की क्या करता है, हत्या करता है, तो वो हत्या मानी जाती है, एक गांव है पांडव पिंडारा, जहां पांडवों ने अज्ञात वर्ष के दौरान कुछ समय बिताया था वो स्थल। वैसे तो पिंजौर के विराट राजा के पास भी उन्होंने काफी समय बिताया था, तो यहां भी उन्होंने बिताया था। तो इस स्थल पर, तो यहां एक तालाब होता है जी, इस तालाब के पास, तालाब में छुप जाता दुर्योधन और वहां भीम उसकी हत्या करता है। तो अब इस पांडव पिंडारा को पिंडदान के नाम से जाना जाता है, पिंडदान किए जाते हैं यहां पर, हरियाणवी रीति रिवाज एक पिंडदान कहा जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, पांडव पिंडारा को लघु हरिद्वार, पेवा को भी कहा जाता है ये, परंतु मुख्य रूप से किसे कहा जाता है, जींद के पास लगे पांडव पिंडारा गांव को क्या कहा जाता है, लघु हरिद्वार, राइट। अब महाभारत का जिक्र है ना हमारा यहां पर,
महाभारत में तो एक अध्याय गीता भी है भाई हमारा, क्या है? गीता। गीता ऐसी पुस्तक है जिसमें 18 पर्व हैं। गीता एक हिंदुओं की धार्मिक पुस्तक है भाई, धार्मिक ग्रंथ, पवित्रता का प्रतीक है गीता, राइट। जो गीता का उपदेश की बात आती है ना, उपदेश, तो किसने दिया था? श्री कृष्ण जी ने। किसे दिया था? अर्जुन को। श्री कृष्ण जी ने किसे दिया था? अर्जुन को। और सथल की बात आती है ना, कहां दिया था? ज्योतिषर में। अब ज्योतिषर में इसी स्थान पर क्या बना है? एक तीर्थ स्थल। क्या बना साथियों? तीर्थ स्थल। अब बात रहती है महाभारत से संबंधित त्योहारों की। त्योहार कौन से थे? एक तो अमावस्या, एक सूर्य ग्रहण, ये दो बहुत प्रमुख त्योहार है महाभारत काल से, राइट। आपने पहले हरियाणा का पुरातन काल किया था, पूर्व वैदिक युग किया था, अब ये उत्तर वैदिक युग किया। तो उत्तर वैदिक युग में हमने 1000 से 600 BC का जिक्र किया, और वो भी देखिए ये इस तरह। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा। जो भी बात सुझाओ या कोई डाउट है आपका, वो पूछते रहिए कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करता हूं अच्छी वीडियो लगी। धन्यवाद सभी साथियों का।